डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैफी एकेडमी। मैं जय सर इस यूट्यूब चैनल मैफी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक न्यू आइडेंटिटी और उसके प्रूफ के साथ हम लोग फिर से यहां प्रेजेंट हुए हैं और ये आइडेंटिटी बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ऑथेंटिक है, जो आने वाले हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को या किसी आइडेंटिटीज़ को, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने में ये आइडेंटिटीज़ बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं आज की जो न्यू आइडेंटिटी है वो क्या है। वो ये है कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो हो तो हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को 3abc के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में इस आइडेंटिटीज से रिलेटेड बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं, जिसका उपयोग करके, जिसकी यूटिलाइजेशन का इम्पोर्टेंट समझ करके हम इस वैल्यू को निश्चित प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो वैल्यू होता है वो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। और हमारे पास हम देख रहे हैं कि जो इस क्वेश्चन है, ये जो आइडेंटिटी है उसके लिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो दिया है वो ज़ीरो दिया है। तो हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू के जगह पर हम ज़ीरो जब पुट करते हैं, उसके साथ हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो इंटू समथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये ज़ीरो ये पूरे पार्ट को, ये इस पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। जिससे हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ज़ीरो मिला। जिसको सॉल्व करने के बाद हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए थी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, वो हमें क्या मिल गया, मिल गया, प्रूव्ड हो गया हमारे लिए। और यही वैल्यू हमें चाहिए भी थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो हो तो हमें प्रूव करना था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3abc के बराबर होगी। जिसको हम लोगों ने बहुत ही ईजिली, जो प्रीवियस लेक्चर्स था, जो प्रीवियस आइडेंटिटीज़ था, उसकी उसका हेल्प लेकर के, उसका प्रयोग करके हमने ईजिली इस आइडेंटिटी को क्या किया, प्रूव किया। तो इससे हम प्रीवियस आइडेंटिटीज़ जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर वो आइडेंटिटीज़, वो प्रूफ अगर हमारे पास नहीं रहता तो हम इस फार्मूले को, इस आइडेंटिटीज़ को हम लोग नहीं प्रूफ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रीवियस जितनी भी आइडेंटिटीज़ है उसको बहुत अच्छे से रिपीट, अगेन एंड अगेन प्रोसेस से हमें रिपीट करके अपनी माइंड में पूरी तरह से फिट कर लेना है, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की क्वेश्चंस या दूसरी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमें जो आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी थी वो आज हमने प्रूव किया। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, रिपीट करेंगे बार बार, ताकि हमारे माइंड में ये हमेशा के लिए क्या हो जाए, फिट बैठ जाए। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं न्यू प्रूफ के साथ, न्यू आइडेंटिटी के साथ, न्यू फार्मूले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।